तो वही तारक मेहता का उल्टा चश्मा में पोपटलाल सपना और कल्पना दोनों से फिर से मिलता है, लेकिन इस बार पोपटलाल बहुत बुरा फंस गया है। हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं समग्राम। पोपटलाल पहले सपना के घर अंजलि भाभी और कोमल भाभी के साथ पहुंचता है। वहां उसका सामना पहलवान जैसे दिखने वाले सपना के मामा से होता है। उसे देखकर पोपटलाल डर जाता है और फिर पोपटलाल सपना से बातें करता है, लेकिन उसी टाइम कल्पना का भी फोन आ जाता है। तो बहाना बनाकर पोपटलाल जैसे तैसे निकल जाता है कल्पना से मिलने के लिए, लेकिन सपना फिर से 1 घंटे बाद पोपटलाल से मिलने का बोलती है, और वो भी उसी जगह पर जहाँ कल्पना पोपटलाल को मिलने वाली है उसी जगह बुलाती है। ये सुनकर पोपटलाल टेंशन में आ जाता है। फिर पोपटलाल अंजलि भाभी और कोमल भाभी दोनों को ये बात सपना के घर से निकलने के बाद बताता है और 1 घंटे बाद फोन करने का बोलता है, ताकि पोपटलाल जल्दी से कल्पना से मिल ले और उसके बाद वो सपना से मिले। फिर पोपटलाल नीले कलर की नई टी शर्ट खरीद कर और बदल कर उसी जगह पहुंचता है। कल्पना उसे बुलाती है क्योंकि कल्पना को नीला कलर बहुत पसंद है। अब इनकी मुलाकात तो हो जाती है, दोनों आपस में बात करते हैं। पोपटलाल कल्पना की बातों में खो जाता है। तभी अंजलि भाभी पोपटलाल को ऑफिस की बड़ी ऑफिसर बनकर कॉल करती हैं और पोपटलाल को तूफान एक्सप्रेस आने का बोलती हैं। फिर पोपटलाल कल्पना के साथ बाहर आ जाता है और कल्पना पोपटलाल को घर आने का बोलती है, जिसे पोपटलाल ना नहीं कह पाता है। फिर कल्पना रिक्शा में बैठ जाती है और तभी कल्पना के पास घर से फोन आता है, तो वो रिक्शा में बैठे बैठे बात करती है। उतने में दूसरी रिक्शा सामने से आती है, रिक्शा में बैठकर सपना आ जाती है, जिसे देखकर पोपटलाल के होश उड़ जाते हैं, लेकिन सपना उसे देख नहीं पाती है और गार्डन के अंदर चली जाती है। पोपटलाल छुप जाता है और कल्पना जी से बाय कहकर वापस उसी गार्डन में पहुंच जाता है और वॉशरूम में जाकर वो येलो कलर की टी शर्ट वापस से पहन लेता है और सपना से मिलने पहुंचता है। पोपटलाल के हाथ में कल्पना ने जो फ्लावर्स का बुकेट दिया था वो देख लेती है सपना और पोपटलाल से ले लेती है, क्योंकि सपना को लगता है कि पोपटलाल उसके लिए ही ये फूल लेकर आया है, जिसे वहां का वेटर देख लेता है और बोलता है कि ये आदमी बहुत चालू है, जो पहले वाली लड़की ने गिफ्ट दिया वही वो दूसरी लड़की को दे रहा है। और फिर सपना और पोपटलाल दोनों आपस में बात करते हैं और सपना उसे फिर से शाम को 6 बजे मिलने का बोलती है और वहाँ कल्पना भी उसी सेम जगह का नाम बोलती है। अब पोपटलाल दोनों लड़कियों से एक ही जगह और एक ही समय पर कैसे मिल पाएगा, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। वो पोपटलाल कैसे इस सिचुएशन से निकल पाता है ये भी देखने वाली बात होगी। तो अगर इस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग समग्राम।